हेलो एवरी वन एंड अवेरी वॉन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज टेंथ पार्ट है एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स का एंड बिफोर यू प्रोसीड विद द लेक्चर क्विकली हिट द सब्सक्राइब बटन ठीक है वो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं चलो तो फटाफट से शुरू करेंगे पार्ट टेन और पार्ट टेन के अंदर जो मेनली क्वेश्चन रहेंगे वो मिलेट्स या जिसको आप माइलेट्स कहीं लोग माइलेट्स बोलते हैं कहीं लोग मिलेट्स बोलते हैं उसके ऊपर बेस्ड रहेंगे ठीक है तो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट एंड पी आई बी में से ही हमने क्वेश्चन uh, को बेसिकली कवर किया बिकॉज मिलेट्स uh, के ट्रेड के ऊपर एक पूरे का पूरा पी आई बी के अंदर आर्टिकल था न्यूज था वहां से ये सारे क्वेश्चन निकाले चलिए सो लेटेस्ट स्टार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंगयर्स विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा ऑप्शन ए 2022 जो करेंटली आपका चल रहा है बी 2023 सी 2024 डी 2025 एंड ई नन ऑफ द अब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर उठाते हो नबार्ड के आईबीपीएस के तो बड़ी आसानी से आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिल जाएंगे सो so, कौन से साल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी 2023, 2023 को इंटरनेशनल ऑफ मिलेट्स के फॉर्म में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड मिलेट्स एज अ न्यूट्री सीरियल इन ईयर ओके न्यूट्री सीरियल्स की कैटेगरी के अंदर मिलेट्स okay. को नोटिफाई किया था भारत सरकार ने किस साल में उससे पहले वो न्यूट्री सीरियल्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आता था ऑप्शन ए 2016 बी 2017 सी 2018 डी 2019 ई नन ऑफ दी अबव गेस वर्क मेरे हिसाब से तो काम यहाँ पर करेगा नहीं अगर गेस करने की कोशिश करोगे तो गलत ही होगा राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन सी 2018 2018 के अंदर भारत सरकार ने uh, मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को रियलाइज करते हुए और इसको फर्दर प्रमोट करने के लिए मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल की कैटेगरी के, के अंदर नोटिफाई किया था इन व्यू ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट्स द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल इन अप्रैल टू थाउजेंड एटीन ठीक है दो हजार अठारह यही आपका अल्टीमेटली सवाल था मिलेट्स जो हैं इनको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फाइबर मिनरल आयरन कैल्शियम सब कुछ इनके अंदर अच्छा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो सीरियल uh, क्रॉप्स के अंदर जैसे वीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है विच इज़ नॉट कंसीडर्ड वेरी गुड फॉर हेल्थ तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसके अंदर लो होता है ठीक है तो अच्छी खासी जो हेल्थ है वो ये प्रोवाइड करता है और मिलेट्स जो है वो सस्टेनेबल uh, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड रिक्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिय एनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है भारत सरकार ने इसी की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हुए 2018 में इसको नोटिफाई कर दिया था एज न्यूट्री सीरियल और उसी वर्ष 2018 को ही नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट किया गया था इंडिया के अंदर अब भारत सरकार को लगा कि यार मिलेट्स जो है सिर्फ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इनकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है इनकी इम्पोर्टेंस ग्लोबल भी है क्योंकि ग्लोबली भी जो आपके मिलेट्स हैं वो काफ़ी ज्यादा डिमांड में रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस को बोला कि यार 2023 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो आप डिक्लेयर कर दो भारत सरकार ने जब ये प्रपोजल रखा यूनाइटेड नेशंस के आगे तो 72 और कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया एंड अल्टीमेटली जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2021 में डिक्लेअर कर दिया अब देखो इस पूरी स्लाइड के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं क्यों प्रमोट करता हूं कि अपने नोट्स बनाओ पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाती हैं अभी या तो उसके अंदर आप हाईलाइट करके रखते जाओ क्योंकि लेकिन हाईलाइट करने के करके रखने का भी एक नुकसान होता है चीजों को क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी तो आपकी बढ़ती जाती है ठीक है वो नंबर ऑफ पेजेस आपके बढ़ते जाते हैं वो नंबर ऑफ पेजेस के इम्पैक्ट होता है एक तो उस नंबर ऑफ पेजेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि साइकोलॉजिकली आपको लगता है यार इतना सारा पढ़ना पड़ेगा जब रिवीजन वगैरह का टाइम आता है और दूसरा उसका साइकोलॉजी दूसरा इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये होता है कि जब अपने को रिवाइज करना होता है तब अपने को ढूंढनी पड़ती हैं चीजें चाहे वो हाईलाइटेड भी हैं फिर भी ढूंढनी पड़ेंगी लेकिन अगर अब आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए होते अब देखो एज अ टीचर मेरे को तो ये सारे स्टेटमेंट्स लेकर के आने पड़ेंगे आपके सामने क्योंकि मुझे समझाना है ठीक है और आपको भी समझना है जब समझाने और समझने वाली स्टेट होती है तब हमें थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट आपको देना पड़ता है अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अगर अब मैं आपकी जगह एक स्टूडेंट हूँगा तो मैं फालतू के टंटों में नहीं पढ़ूंगा ठीक है मैं तो सीधा सीधा अपना नोट बना लूंगा पहली स्टेटमेंट में मैं लिख लूंगा गवर्नमेंट जी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं लिखूंगा जीओ आई जहां पर भी आप शॉर्ट में यूज कर सकते हो वो शॉर्ट में यूज करो बट बाद में वो समझ में आ जाना चाहिए जीओ आई नोटिफाइड मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स इक्वल टू टू अप्रैल कोई नहीं पूछने वाला महीना ओके okay, उसके बाद मिलेट्स रिच रिच इन प्रोटीन फाइबर मिनरल आयरन कैल्शियम लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओके नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू बस खत्म ये फालतू की कहानी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 बात खत्म कोई फालतू की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से आपने अल्टीमेटली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अप, है ठीक अब अपने नोट्स बनाने हैं चार लाइनों के अंदर ये जो आधी एक स्लाइड के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है ये चार लाइन के अंदर खत्म हो जाएगी ठीक है चार लाइनों के अंदर आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हो समझ रहे हो चलो नेक्स्ट आ जाओ अकॉर्डिंग टू the the 2020 2020 data, India is the dash largest producer of millets. 2020 के ट्वेंटी के हिसाब से बी की के अंदर 2020 का डाटा था और उसी के हिसाब से क्वेश्चन किया है. 2020 के डाटा के हिसाब से इंडिया डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का दुनिया में पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा ठीक है अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चंस देखो ये सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा घुमा करके आपसे पूछा हो जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स अभी हमने इंडिया का देख लिया की पांचवा है तो टॉप पर कौन है सबसे ज्यादा मिलेट कौन प्रोड्यूस करता है ए यूएसए बी रशिया सी यूक्रेन डी चाइना या ई नन ऑफ दब कंट्री प्रोड्यूस इज द लार्जेस्ट मिलेट्स ओके okay, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए यूएसए जो है वो मिलेट्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इंडिया का से सबसे ज्यादा मिलेट्स कौन इंपोर्ट करता है कौन सा देश इंडिया से सबसे ज्यादा मिलेट्स इंपोर्ट करता है या आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया सबसे ज्यादा मिलेट्स किसको एक्सपोर्ट करता है ठीक है दोनों चीजें एक ही बात हुई ना इंडिया किसको एक्सपोर्ट करता है या इंडिया से कौन इंपोर्ट करता है चीजें सेम ही हुई तो कौन सी कंट्री इंडिया से सबसे ज्यादा मिलेट्स इंपोर्ट करती है ऑप्शन ए नेपाल बी यूएई सी सऊदी अरेबिया डी लिबिया किंगडम सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन ए नेपाल नेपाल सबसे ज्यादा जो है मिलेट्स इंडिया से इंपोर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलेट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स कौन इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर कौन सा देश सबसे ज्यादा मिलेट्स इंपोर्ट करता है ऑप्शन ए इंडिया बी इंडोनेशिया सी बेल्जियम डी जर्मनी या फिर ई e, मेक्सिको अब कुछ बच्चे ये तुक्का लगा लेंगे कि सर इंडिया तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो वो एक्सपोर्ट क्यों करेगा इंपोर्ट क्यों करेगा ऐसा नहीं होता जरूरी नहीं है हो सकता है कि आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो फिर भी आपकी जो डिमांड है जो लोकल डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि आपको इंपोर्ट भी करना पड़े लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर इंडिया नहीं है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलेट्स दुनिया के अंदर है बेटा इंडोनेशिया इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मिलेट्स जो है वो इंपोर्ट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच काइंड ऑफ मिलेट ये सारे क्वेश्चंस की अभी इंफॉर्मेशन में एक साथ डिस्कस करूंगा डो नॉट वरी इनमें से कौन सा एक प्रकार का मिलेट है ऑप्शन ए कुटकी बी समय सी झंगोरा डी कोडरा या ई ऑल ऑफ दी अबव देखो एक तो होते हैं ना ट्रेडिशनल मिलेट्स होते हैं आपके वो आप इजीली बता देते हो ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम है ना लेकिन ये थोड़े से नाम ऐसे हैं जो सबको नहीं पता होंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि इनमें से कौन सा मिलेट है यहाँ पर जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव ये सारे जो हैं दीज आर द काइंड ऑफ मिलेट्स नॉ लेटर सी व्हाट ऑल अदर इन्फॉर्मेशन वाज़ कवर्ड इन पीआईबी मिलेट्स के ऊपर तो करंटली इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जैसे आपका क्वेश्चन आया हुआ था अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी डाटा और इसका हमारा एक्सपोर्ट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है अराउंड तीन परसेंट का ग्रोथ हमारे एक्सपोर्ट के अंदर हर साल देखने को मिलता है मेजर एक्सपोर्टर मिलेट्स के टॉप एक्सपोर्टर्स यूएस यूएस के बाद दूसरे नंबर पर आता है रशिया तीसरे नंबर पर आता है 2020 का डाटा है क्योंकि अब 2022 के अंदर लड़ाई चल रही है तो जल्दी ये डाटा चेंज हो जाएगा रशिया और यूक्रेन हट जाएंगे यूक्रेन तो बिल्कुल ही हट जाएगा तीसरे नंबर से क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हैं तो कहाँ वो एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे मिलेट्स प्रोडक्शन ही नहीं होगी ठीक है लेकिन हाल फिलहाल यूएस रशिया यूक्रेन और उसके बाद इंडिया चाइना नीदरलैंड्स फ्रांस पोलैंड एंड अर्जेंटीना यूएस रशिया यूक्रेन इंडिया बेटा आप एक क्वेश्चन जो पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे आपके टीचर ने वहां पर गलती कर दी है वहां पर हमने इंडिया का रैंक जो है वो फिफ्थ आपको आंसर बताया बट इंडिया फोर्थ नंबर पर है अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ठीक है फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये मेजर एक्सपोर्टर्स की लिस्ट के अंदर एक नाम जो है वो मिसिंग है वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ही आएगा इंडिया से जो टॉप थ्री इंपोर्टर्स हैं नेपाल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है हमसे नेपाल के बाद यू उसके बाद सऊदी और उसके अलावा जो सात और डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर इंडिया मेजरली एक्सपोर्ट करता है वो है लिबिया ट्यूनिशिया मोरक्को यूके यमन ओमान एंड अल्जीरिया उसके बाद जो टॉप इंपोर्टर्स हैं मिलेट्स के दुनिया के अंदर इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मिलेट्स इंपोर्ट करता है उसके बाद बेल्जियम जर्मनी मेक्सिको इटली यूएस यूके ब्राज़ील नीदरलैंड्स आपको परसेंटेजिज़ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बाकी के देशों के नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप अगर इंडोनेशिया को भी याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर कंसिडर किया जाता है मिलेट्स के अंदर क्योंकि हम फोर्टी वन परसेंट टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन करते हैं मिलेट्स का एंड अराउंड ट्वेल्व मिलियन मेगा टन ऑफ मिलेट्स हम एनुअली प्रोड्यूस करते हैं जो आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री का डाटा है मिलेट्स की अगर हम बात करें तो वेरियस काइंड होते हैं जिसके अंदर सोरगम, यानी कि ज्वार पर्ल माइलेट बाजरा फिंगर माइलेट रागी लिटिल माइलेट कुटकी मिलेट समय फॉक्सटेल मिलेट कंगनी प्रोसो मिलेट बारी बार्नयार्ड मिलेट झंगोरा कोडो मिलेट कोडरा

एंड सपोर्ट आप लोगों का रिक्वायर्ड है वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि ये कंटेंट जो है वो आपके लिए कंटिन्यूअसली आता रहे चलिए सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज